आगरमालवा जिले में इंसानियत व रिश्तों को तार तार करने वाला घिनौना घटनाक्रम सामने आया है। एक पिता ने 7 वर्षों तक बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी ने हिम्मत कर स्पाई कैमरे की मदद पिता की करतूत को कैद किया तो आरोपी पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर लड़की को अगवा कर धमकाया। जैसे तैसे पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार आगर मालवा जिले के गांव में रहने वाला परिवार कर्ज के तले दब गया। परिवार का मुखिया पत्नी व बच्चों के साथ दूसरे राज्य में पहुंच गया और एक दुकान पर नौकरी कर परिवार का संचालन करने लगा। इस दौरान पिता की नियत में खोट आ गई और उसने अपनी ही 16 वर्षीय किशोरी बेटी को हवस का शिकार बना डाला। आरोपी पिता जब भी मौका लगता तब बेटी के साथ कुकर्म करता रहता। रिश्तों की शर्म के चलते किशोरी अपने ऊपर हो रहे जुल्म को किसी के सामने कह नहीं पाई। इस बीच हिम्मत कर पूरी कहानी पीड़िता ने अपनी सहेली को बताई। सहेली के कहने पर पीड़िता ने मौका पाकर ऑनलाइन हिडन कैमरा मंगाया और पिता की करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। इस बीच पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर उसे धमकाया और घर में ही बंधक बना लिया। पीड़िता जैसे तैसे आरोपी पिता और काका के चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर पास्को सहित अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी काका की तलाश जारी है। थाना अगर कोतवाली में एक पुत्री के द्वारा पिता पर दुराचार का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चूंकि पिता और पुत्र एक सामाजिक रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है इस पर लांछन लगा हुआ है तो माननीय न्यायालय से भी हम अनुरोध करेंगे कि आरोपी को त्वरित सुनवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके और प्रकरण का